Hello everybody, this is me Deepak Sahu, All Engineering 5 in NEET 2021. Today we are going to take a feel of conservation of linear momentum with this. So here we go. So conservation of linear momentum means the initial momentum is equal to final momentum. Like before that, we need to decide a system basically. And let me get into the condition, ki kis condition mein hum bolenge ki conservation of linear momentum hai. So by the second Newton's law of motion ke according, you will get to know that conservation of linear momentum wahan par hota hai jahan pe net external force on the system is zero. That is net external force on the system is zero. But ek point dhyan mein rakhne wali baat ye hai ki there will be some internal forces jo hum dekhenge ki kaise hone wala hai, internal forces rahenge, but there will be no external force acting on the system. So let's get into this. So guys, this is our system which is consisting of 5 balls. Now what is going to happen? Ab ek external force hai. My hand is external force basically. Hai na? And I just lift it up and I'm going to give some velocity to this ball. So let's see what's going to happen. यानी कि जब ये बॉल ऊपर से नीचे आती है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आती है, तो डेफिनेटली इट हैज गेन सम वेलोसिटी. एंड व्हाट हैपेंस कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस बॉल के पास एक पर्टिकुलर मोमेंटम होता है. एंड ये मोमेंटम, सिंस इनिशियल मोमेंटम हुआ, अगर हम इसको इनिशियल कंडीशन माने तो ये मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए. यानी कि इस बॉल के पास एक मास है, उसकी एक वेलोसिटी है. तो जब मैं इसे छोड़ता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि एक बॉल यहाँ से आई है तो एक ही बॉल वहां से जाएगी एंड बाकी सब अपनी इनिशियल कंडीशन में रहेंगी. सो दैट इज व्हाट, इसके पास सिर्फ एक बॉल का मोमेंटम है. सो ये सिर्फ एक बॉल को मूव कर सकती है, बाकी एज इट इज अपनी पोजीशन पर रखेंगे आइडल. जब एक बॉल दूसरी बॉल से टकराती है, देयर इज सम साउंड प्रोड्यूस होता है, एज वेल एज सिंस टकराने के कारण हीट एनर्जी जनरेट होती है. सो जो इसकी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर इन सम अदर फॉर्म, सो वो फाइनली खत्म हो जाती है और ये सारी बॉल्स एक समय के बाद रुक जाती है. ओके, नाउ अगर हम ये दो बॉल्स के पास साथ करें, अब मेरे पास मैंने दो बॉल्स ले ली हैं, एज यू कैन सी आई हैव टेकन टू बॉल्स. नाउ हमारे पास जो मोमेंटम होगा इनिशियली वो टू बॉल्स का होगा. सो दो बॉल्स अगर यहाँ से जाएंगी, सो दो बॉल्स वहां से जानी चाहिए, तभी जाके कंजर्वेशन होगा, बिकॉज इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बाकी चीजें रेस्ट पे हैं. लेट्स लुक एट इट. सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वुड लाइक टू शो कि द थिंग इज दैट जो इनिशियल मोमेंटम होता है, सिंस सारी बॉल आइडेंटिकल है, दैट्स वाई इट इज हैपनिंग कि अगर एक बॉल मूव करती है सो एक ही बॉल वहां से जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज द कंजर्वेशन. नाउ अगर हम तीन बॉल्स को मूव करें, सो तीन ही बॉल्स जानी चाहिए. सो लुक एट दैट्स ऑल अबाउट इट. थैंक सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.